सबसे पहले तो डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। वर्कआउट शुरू करने से पहले भी आपको डाइट लेनी है, और वर्कआउट आप जब भी करें पहले आप डॉक्टर से पूछें अपने, देन आप स्टार्ट करें। ऐसे मैंने अभी बोला आप फॉरन करना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी कंडीशन आपका डॉक्टर देख रहा है, उसको ज़्यादा पता है। और आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विंस है तो उसमें आप अवॉइड करें, या आपको क्या कहते हैं उसमें वाटर बैग रप्चर है लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उस टाइम आप अवॉइड करें, और सर्वाइकल स्टिच वगैरह जब होते हैं उसमें भी आप लोग अवॉइड करें। वॉक भी ना करें ना आराम से, हाँ वॉक लाइट कर लें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना। इवन आप कोई सा भी वर्कआउट करें पहले डॉक्टर से पूछें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन आप स्टार्ट करें। हमारे थ्री ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट में हम लोग जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेचेज वाले वर्कआउट जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बॉडी के लिए वो हम कहेंगे। तो अच्छा ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये आपको किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएगा, तो इससे आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम जो है वो थोड़ा सा वार्म अप करेंगे लाइक दिस, वन टू थ्री, किसी भी तरह आप ऐसे थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना है। 10 टाइम्स, बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं करना, बचा बहुत ज्यादा लाइट बिल्कुल स्लाइट इस तरह मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव, इसके आपको 10 रैप्स थ्री सेट्स करने हैं। जूते भी तो बहुत मैटर करते हैं सब, वो खवातीन बहुत सारे अगर नंगे पाँव भी करें तो दैट इज फाइन, स्ट्रेचिंग में तो इतना मैटर नहीं करता। पिलाटिस विदाउट शूज भी आप पिलाटिस कर सकते हैं, और मैं ये भी बोलूंगी आप डांस भी कर सकते हैं, लाइट पिलाटिस है, योगा है, तो ये स्लो वर्कआउट्स कर सकते हैं। जंपिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है स्टार्टिंग में, तो वैसे भी पूरे 9 months, ओके। देन हम ये स्टार्ट करें, ये अपर बॉडी का वर्कआउट है जो आपके हैंड्स को और शोल्डर को टारगेट करेगा लाइक दिस, वन टू, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के वर्कआउट हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये भी आपने थ्री सेट्स करने हैं 10 reps, ओके। नाउ हल्का सा बेंड करना है बॉडी को उस तरह, देन स्ट्रेच लाइक दिस, ये आपके अपर बैक को टारगेट करेगा। वर्कआउट के बहुत बेनिफिट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, और आपकी जो लोअर लिम्स में स्वेलिंग होती है वो भी नहीं होती, ओके। नाउ सेकंड मैं आपको बताऊंगी वॉल के साथ आपको इस तरह सिट करना है स्लाइटली, ओह माय गॉड, ध्यान से इस तरह आपको बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेशर नहीं देना नीज पे ज़्यादा, स्लाइटली बेंड योर नीज एंड आपका जो पॉस्चर होगा वो बिल्कुल वॉल की तरफ होगा स्ट्रेट लाइक दिस। ये थ्री एक्सरसाइज हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। नाउ सेकंड मैं यहाँ खड़ी ही नहीं होती, पैराफ्लेक्स हाँ कुछ, ओके। नाउ सेकंड है हमारा इस तरह लाइट्स, आपको साइड किक्स करना है लाइक दिस, वन टू, बिल्कुल ये इजी वर्कआउट्स हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं और बहुत एक्टिव फील करेंगे आप पूरा दिन। मॉर्निंग सिकनेस बेसिकली बहुत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मॉर्निंग में आप उठ के कर लें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे। इस तरह दोनों साइड से आप 20-15 रैप्स इस तरह कर सकते हैं, ग्रेजुअली आप बढ़ाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, अपना अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज भी नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल जो आपके लिए ईजी हो आप करें, हाँ। इस तरह नाउ फ्रंट किक लाइक दिस, दोनों साइड से ये भी आप 10-15 रैप्स करेंगे। अच्छा, और अगर आप ये ना आपके इतनी मोटिवेशन फील ना कर रहे हो तो जो आपके घर में जो बाकी लोग होते हैं ना, अब ये उन पर आ जाता है कि उन्होंने आपको ये करवानी है, बिल्कुल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइट म्यूजिक लगा के डांस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव करना है, ये नहीं है, ये हमारा मिथ है कि हमें वर्कआउट करना ही नहीं है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है लाइक दिस। नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9, 10, ओके। ये थ्री वर्कआउट जो थे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं। अब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के वर्कआउट्स बताऊंगी। ओके नाउ इस तरह आपको बैठ जाना है, कैट एंड काउ पोज कहलाता है ये लाइक दिस, इनहेल एंड देन एक्सहेल, इनहेल। ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, ये आपकी बैक को थोड़ा रिलीफ भी देगी। बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसके भी आप 10-15 रैप्स कर सकते हैं थ्री सेट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट बटरफ्लाई पोस्चर, इस तरह आपको बैठ जाना है, दोनों लेग्स को प्रेस करेंगे हैंड से एंड देन मूव अपसाइड डाउन,
ये वर्कआउट भी बेस्ट है और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। कीगल एक्सरसाइजेस कहलाती हैं ये, डॉक्टर्स भी बता रिकमेंड करते हैं लास्ट डेज में जो चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अच्छा, ये डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन घर की कुछ ना जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भाई घर में चलो पोचा लगाओ बेड के ज़मीन पे, तो उससे भी ना जो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मुझे आप बताइए ये फिर रुमैसा, ये आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जब वो बोले कि जी ये बेड के पोचा लगाओ? पोचा लगाने में थोड़ी हमारी जो पोजीशन होती है ना वो डिफरेंट होती है, तो इससे हमारा वाटर बैग रप्चर हो सकता है। तो पोचे लगाने में आप हमारी वेरिएशन अलग अलग हो जाती हैं। तो वर्कआउट ये कि प्रॉपर होता है, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर उसके पोस्चर ठीक होने चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज करें आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है, अगर आप ख़राब करेंगे तो फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान करेगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज है स्क्वाट्स जो हम नॉर्मल भी करते हैं, बहुत अच्छी है लोअर लेग्स के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी। इस तरह हमें स्लाइटली बेंड योर नीज लाइक दिस, 1 2 3। और रूम ऐसे तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा अगर हम पीछे बाकी कुर्सी रख लें सपोर्ट के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपके लिए चेयर भी, क्योंकि खुदा ना खासा कोई अगर अपना बैलेंस ना वो रख सके। वही मैं कहती हूँ कि डॉक्टर से ज़रूर पूछें, और आपके साथ आपका ट्रेनर भी होना चाहिए, साथ खड़ा हो तब आप वर्कआउट करें। हमारे साथ सियालकोट से कॉलर है रूबी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रूबी जी, कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरे 8 साल हो गए शादी को, मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा, ओके। और मैं मेरी डेट पर 37 दिन ऊपर हो गए, डॉक्टर का साहब ने कहा कि आपके हमल नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे नाभ में भी जहम है, क्या नाभ भी जहम की वजह से ना अंदर चला गया, तो इसकी वजह से मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती? और मेरा हम कभी भी 8 साल या उससे पहले में मेरे डेट पर इतने दिन ऊपर नहीं हुए, तो ये क्या वजह है कि इतने दिन भी ऊपर हो गए और नाभ में जहम भी है, नाभ जल्दी जल्दी गिर भी जाता है और नाभ जहम की वजह से अंदर भी चला गया, तो क्या वजह है? ये इसकी वजह तो नहीं है कि डेट ऊपर हो गई? चले चले रूबी जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। और मैं आपकी आवाज़ से मुझे आइडिया हो गया था कि आप कितनी कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं। डॉक्टर साहिबा देखो, 7 साल हो गए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्होंने किसको पहले दिखाया है अपने, जब इतने दिन गुजर जाते हैं ना, यूजुअली 3 लेवल्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, वाइफ का ट्यूब्स का टेस्ट कि ट्यूब्स बंद तो नहीं है, और तीसरा जो है वाइफ का एग का हम टेस्ट कराते हैं। जो सिंपल सबसे होता है वो ये होता है कि हम माहवारी के 21वें दिन पर एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम प्रोजेस्टेरोन, वो करा लेते हैं कि उसमें एग बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद इन्हें चाहिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपरली ये जो नाफ का कह रही हैं, प्रॉबली शायद इनकी नाफ पर कोई ज़ख्म कह रही हैं या क्या, जो मुझे नहीं समझ में आया, बट आई डोंट थिंक उसकी वजह से ऐसा होता है कि बच्चा ना हो। और जैसे दिन ऊपर हो गए हैं और कह रही हैं पहली दफ़ा हुआ है, पहले नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपनी एज नहीं बताई कि कितनी थी, लेकिन ये कि एज बढ़ने के साथ साथ तो इसको प्रॉपरली किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाया, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जी रुमैसा, हम इसको वाइंड अप करते हैं, आप क्या बताने वाली थी नेक्स्ट? हाँ, ये मैंने स्क्वाट्स बताए थे, ये कर सकते हैं। और आपको अपनी लोअर लिम्स का जो सबसे मेन है, बहुत स्वेलिंग हो जाती है, तो आपको इस तरह स्लाइटली हील्स योर रेस, हील को रेस करना है इस तरह लाइक दिस, 1। और कभी भी एक पाँव पे आपको वेट नहीं डालना, तो मूवमेंट करते रहना है लाइक दिस, 1 2 3। इस तरह फिर अगेन आपने स्टार्ट कर देना है। इससे आपके जो लोअर लिम में स्वेलिंग वगैरह होती है बहुत ज़्यादा हो जाता है, पाँव स्वेल मेरा तो बहुत होता था स्पेशली, तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आप लोग इजीली अपने घर में कर सकते हैं, स्टे एक्टिव। जी जी, एंड द की इज टू स्टे एक्टिव भाई, कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे मैं अगर आपसे समीना आपसे पूछूं, सो आपने अपनी प्रेगनेंसी में वो जो कहते हैं ना एक्टिव रहने के लिए, आपने क्या किया था? आप